हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस एक और नए ब्लॉग में। और आज हम हैं, सामने आप देख रहे हैं, यह मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र और मत्स्य अनुसंधान केंद्र है। यानी कि यहाँ पर प्रशिक्षण का ये केंद्र है झारखंड सरकार के द्वारा। झारखंड के अलग अलग जिलों के जो मत्स्य व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं, मछली पालन से जुड़े जो लोग हैं, या फिर जो मछली पालन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। यह जो केंद्र है, यह शालीमार में जगन्नाथपुर मंदिर है सामने ही, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर। और ये जो प्रशिक्षण केंद्र है, इसमें किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है, ये आपको अंदर ले जाकर हम दिखाएंगे कि किस तरीके का यहाँ पर प्रशिक्षण होता है और क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी अंदर में है, ये सारा कुछ आप देखिएगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो सब मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे और दिखाते हैं आपको आगे अंदर क्या क्या है। मछली पालक किसानों को ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से बनाए गए इस ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत वर्ष 2010-11 में झारखंड राज्य के सबसे पहले मछली पालन प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर केज वगैरह बना हुआ है जिसमें मछली को पाला जाता है। और इस प्रशिक्षण केंद्र में झारखंड के अलग अलग जिलों से यहाँ पर जो मत्स्य किसान हैं, जो मछली पालने वाले किसान हैं, वो आते हैं और यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। मछली पालन से जुड़े हुए जानकारियाँ उनको यहाँ पर दी जाती है। जो पहले से जुड़े हैं या फिर जो नया जुड़ना चाहते हैं मछली पालन के व्यवसाय से, वैसे लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग देने की व्यवस्था है। और आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिखाते हैं आगे और क्या कुछ है यहाँ पर। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर एक पोली हाउस दिया हुआ है, फिशरीज रिसर्च सेंटर है, शालीमार धुरवा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोली हाउस। इसके अंदर भी कुछ किया जाता है और बाकी कुछ इस तरीके का कैंपस है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है। इधर तालाब के जैसे पानी यहाँ पर जमा है और केज बना हुआ उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यह जो ट्रेनिंग सेंटर है, यह रांची रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर और हटिया रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर एक गेट बना हुआ देख सकते हैं आप, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र सह मत्स्य अनुसंधान केंद्र शालीमार धुरवा रांची, ये एड्रेस है। वही चीज़ इधर भी लिखा हुआ है, फिश फार्मर ट्रेनिंग सेंटर कम रिसर्च सेंटर है, शालीमार धुरवा रांची में ये स्थित है। और इधर ही आगे आप देख सकते हैं इस तरफ ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, उसका ऑफिस इधर है। और इधर तो आप देख लिए यहाँ पर कितना सारा केज यहाँ पर बना हुआ है। यहीं पर इसका प्रशासनिक भवन है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद आगे काफ़ी सारा केज वगैरह बना हुआ है, तो चलिए दिखाते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। मछली पालन का यह जो निदेशालय है, यह कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री एंड कोऑपरेटिव झारखंड सरकार के अंतर्गत चलाया जाता है। और झारखंड राज्य के सभी जिले में इसके 24 कार्यालय हैं, जहां पर जिला मत्स्य अधिकारी यानी कि डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर के द्वारा उनको संचालित किया जाता है। और राज्य स्तरीय कार्यालय यह है जहां मछली प्रशिक्षण केंद्र भी है, मछली किसान जो है, मछली पालन से जुड़े हुए जो किसान हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा मत्स्य अनुसंधान केंद्र यानी कि यहाँ पर रिसर्च का भी काम किया जाता है मछली पालन से जुड़ा हुआ, तो दोनों यहाँ पर होता है। केज बनाकर मछली पालन यानी कि पिंजड़ा मछली पालन में झारखंड जो है अग्रणी राज्यों में से एक है, यानी कि सबसे ज़्यादा मछली पालन यहाँ पर झारखंड में होता है पिंजरा मछली पालन की विधि से, यानी कि केज बनाकर। और झारखंड के अलग अलग जिलों में जो बड़े बड़े डैम हैं, जैसे कि चांडिल, मैथन, तेनुघाट, कोनार, मासनजोर, तिलैया जैसे जो भी डैम हैं, यहाँ भी केज बनाकर मछली पालन किया जाता है। और इन डैम के बनने से जो विस्थापित आबादी हुई है, तो उन आबादी के लिए भी इस सेंटर में प्रशिक्षण देकर मछली पालन से जुड़ा हुआ उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है, उस रोजगार से जोड़ा जा रहा है। रांची के शालीमार धुरवा में यह जो ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पर मछली पालन, मछली बीज उत्पादन, सजावटी रंगीन मछली पालन, पिंजरा मछली पालन और मछली के लिए चारा बनाने की विधि से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण मछली पालने वाले किसानों को दिया जाता है। फ्रेंड्स, ये रहा
जो तालाब यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर हमको मछली सामने से दिखाई दे रहा है, काफ़ी मछलियाँ हमको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मछली सब डर के भाग जा रहा है। चलिए आपको और थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं, आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा मछली सब है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, बहुत ही बड़ा मछली भी दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पर सामने आपको दिखा रहे हैं तो भाग जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ढेर सारा मछली सब दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हैं मछली यहाँ पर खेल रहा है, और इधर आगे काफ़ी बड़ा बड़ा मछली भी नज़र आ रहा है। कुछ इस तरीके का यहाँ पर मछली पालन किया गया है। यह ट्रेनिंग सेंटर खादगड़ा बस स्टैंड कांटा टोली से लगभग 10 किलोमीटर और आईटीआई बस स्टैंड से 11 किलोमीटर और थुरवा बस स्टैंड से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। प्रशासनिक भवन के अलावा इधर आप देख सकते हैं अंदर और एक कैंपस है, जिसमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर डिजाइन वगैरह बनाया गया है, और आगे है मत्स्य अनुसंधान केंद्र, यहाँ की यहाँ पर रिसर्च वगैरह का काम होता है, नई नई मछलियों का जो प्रजाति है उसको तैयार करने का जो रिसर्च का काम, ये सारा कुछ इस ऑफिस में होता है। वैसे किसान जो मछली पालन से जुड़ी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उनको अपना पहचान पत्र के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरकर अपने जिला में मौजूद जिला मत्स्य अधिकारी का ऑफिस में जमा करना पड़ता है, उसके बाद वहाँ से इस सेंटर में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। फ्रेंड्स, इस मत्स्य पालन केंद्र और अनुसंधान केंद्र में एक पार्क छोटा सा बना हुआ ही है, साथ में इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, और इधर आप देख सकते हैं फाउंटेन कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, और यहाँ पर रंगीन मछलियाँ बिक रही है, अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ हैं यहाँ पर, आपको थोड़ा सा हम सामने से दिखाते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो अनुसंधान केंद्र है मछली का, तो यहाँ पर इसी तरीके से नए नए मछलियों की प्रजाति विकसित करने, उनको पालने के तरीके, ये सारा चीज़ को लेकर यहाँ पर रिसर्च का काम चलता है। इस मछली पालन प्रशिक्षण केंद्र सह रिसर्च सेंटर में मछली पालक किसानों को ट्रेनिंग के साथ साथ वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग दिया जाता है, साथ ही मछली पालक किसानों के तालाबों के पानी और मिट्टी की जांच की सुविधा भी दी जाती है। दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर कुछ कुएं के आकार के बने हुए हैं बड़े साइज का, यहाँ पर ब्रीडिंग होता है, यानी कि उनका यहाँ पर छोटे छोटे मछली का जो प्रजाति है उनको यहाँ पैदा किया जाता है। अगर आप देख सकते हैं जो ट्रेनिंग करते हैं उनके लिए यहाँ पर खान पान की व्यवस्था रहती है, और ये जो ट्रेनिंग है ये 3 दिन से 5 दिन का होता है, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आते हैं, और उनके लिए यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था रहती है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा है केंद्र, और इसमें तालाबों के किनारे किनारे यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, जहाँ से आप देख सकते हैं तालाबों को, तालाब संख्या लिखा हुआ है, छोटे छोटे तालाब भी हैं इस तरफ आप देख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है इसमें मोती पाला जा रहा है। दोस्तों, इस प्रशिक्षण केंद्र में काफ़ी अंदर आने के बाद इधर जो तालाब है आप देख सकते हैं, चारों ओर तालाब है, और उसके बाद इधर और एक बिल्डिंग है, चलिए सामने से देखते हैं क्या है यहाँ पर। ये समय पानी होना चाहिए था लेकिन अभी खाली है। सूखा हुआ पूरा। मछली पालन व्यवसाय से जुड़े वैसे किसान जो कि नया तालाब बनाना चाहते हैं तो उनको भी यहां से आर्थिक मदद उपलब्ध कराया जाता है, और इसके लिए उन किसानों को अपने ज़मीन का कागजात और अपना पहचान पत्र के साथ एक फॉर्म भरकर जमा करना पड़ता है। फ्रेंड्स, यहां पर एक हॉस्टल बनाया गया है जहां पर जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं वो यहाँ पर रुकते हैं, ये देख सकते हैं आप 2021 में ये वाला छात्रावास यानी कि हॉस्टल बनाया गया है, जो कि मछली पालन का ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं उनको यहाँ पर रुकने का व्यवस्था है, और आप देख सकते हैं काफ़ी लोग आए हुए हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ट्रेनिंग करने आते हैं तो यहाँ पर दो तरीके का फैसिलिटी है। अगर आप यहाँ पर रहना चाहते हैं तो इस हॉस्टल में रुक सकते हैं, खाना पीना पूरा फ्री मिलेगा। और अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, फिर अगले दिन आपको आना है। यहाँ पर 3 दिवसीय और 5 दिवसीय ट्रेनिंग यहाँ पर किया जाता है, और उसी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। तो हम भी देखने के लिए आ गए कि ये जो बिल्डिंग है क्या है, तो यहाँ पर आके हमको पता चला कि ये हॉस्टल है, लिखा हुआ भी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर किताब है, थोड़ा सा आप लोगों को दिखा लेते हैं। इस टाइप का ट्रेनिंग वाला जो आता है उन लोगों को इस टाइप का किताब दिया जाता है, देख सकते हैं व्याख्यान एवं निर्देशिका लिखा हुआ है। थोड़ा सा दिखा लेते हैं आप लोगों को, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये है किताब जिसमें यहाँ पर मछली पालन को लेके जितना भी नियम वगैरह है सारा कुछ जानकारी इसमें दिया गया है। और यही सब ये वाला लेके जाना है अपना घर क्या? हाँ, इसको लेके जाना है। कॉपी वगैरह फाइल विल दिया जाता है, और जो है आपको अलग से ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पर जो भी आते हैं। 5 दिन देता है, 3 दिन 5 दिन 3 दिन का, 2 टाइप का ट्रेनिंग होता है। आप लोग कहाँ से आए? हम लोग यहीं से हैं, रांची से। हाँ, तब तो आप लोग डेली आना जाना कर रहे होंगे। हाँ, ये है छात्रावास यानी कि रहने का हॉस्टल, और साथ में यहीं पर लेक्चर दिया जाता है, व्याख्यान कक्ष बोलेंगे, ट्रेनिंग सेंटर आप बोल सकते हैं, वैसा लिखा हुआ है। बात बाकी आगे क्या है वो तो हो सकता है, अभी ये नया बना है, 2021 में उद्घाटन हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर बना हुआ है। ये है हॉस्टल जो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनके लिए कमरे बहुत सारे बने हुए हैं। कार्यशाला यहीं पर चलाया जाता है, आप देख सकते हैं कभी कभार यहाँ पर कितना से कितना तक डेट यहाँ पर है उसका, यहाँ पर एक बोर्ड बना हुआ है। 3 दिवसीय कार्यशाला वर्कशॉप, और 5 दिन का होता है, 3 दिन का होता है। चलिए आपको ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर से भी थोड़ा सा व्यू दिखा लेते हैं। कुछ इस तरीके का नज़ारा है, यहीं पर ट्रेनिंग होता है, और यह है कार्यशाला वर्कशॉप का ऑफिस जहाँ पर रुकते भी हैं और यहीं पर ट्रेनिंग भी दिया जाता है। आपको लाइट थोड़ा अलग नज़र आ रहा होगा क्योंकि ऊपर ब्लू का सीट लगा हुआ है। तो चलिए थोड़ा सा आपको बाहर का नज़ारा दिखा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अभी आ गए हैं बाहर छत में, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं उस तरफ जो जा रहे हैं वो सारे यहाँ से ट्रेनिंग करके ही जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का कैंपस आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे तालाब हैं। मैं वहाँ पर था, वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वहाँ से एंट्री है, और इस तरफ पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं ये यहाँ तक आना है, और लास्ट में इधर हॉस्टल है, और यहाँ पर ट्रेनिंग का रूम यहीं पर है। चलिए थोड़ा देखते हैं ट्रेनिंग रूम, वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए मिलेंगे तो उनसे बात भी करेंगे फिर से। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा बनाया गया है ये जो छात्रावास है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठहरने का हॉस्टल वगैरह भी बना हुआ है, यहाँ पर रुकने का इंतजाम है। ये बेड उड बना हुआ है यहाँ पर, ये हॉस्टल का सीन है अंदर में, डबल बेड है आराम करने के लिए, और यहीं पर रुक सकते हैं आप। अगर दूर से आते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं जितना दिन आपका ट्रेनिंग होगा, 5 दिन 3 दिन, और अगर आपका घर सामने है तो आप जा भी सकते हैं। तो चलिए उधर चलते हैं, बाद बाकी जो ट्रेनिंग का रूम है उधर। और उस तरफ है ट्रेनिंग वाला रूम, तो वहाँ भी आपको ले जाकर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं उस रूम के सामने जहाँ पर ट्रेनिंग चलता है, चलिए आपको दिखाते हैं अंदर ले जाकर। तो देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है। तो दोस्तों, अभी हम हैं ट्रेनिंग सेंटर के सामने, इधर ट्रेनिंग सेंटर है पीछे तरफ, और यहाँ पर और एक आदमी देख सकते हैं, इस तरीके का टोपी दिया जाता है, मत्स्य मित्र लिखा हुआ है, जो भी ट्रेनिंग करने आते हैं उनको। कहाँ से आए हैं, कहाँ से आए? लातेहार से, लातेहार से आए हैं। क्या नाम हुआ भैया? कमलेश। कमलेश जी, कब से स्टार्ट की ट्रेनिंग?
हम लोग परसों से तीन दिन का ट्रेनिंग के लिए आए हैं लातेहार से, काफ़ी दूर से। लातेहार जो कि दूरस्थ जिला है, और रांची वहाँ से सफ़र करके आए हुए हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। आज कौन सा दिन चल रहा था? तीसरा, आज लास्ट है ना हम लोग जो है ना, परसों हम लोग आए हैं, कल से स्टार्ट हुआ है। कल से स्टार्ट हुआ है, एक दिन आने आए के उसके बाद जो कुछ यहाँ पर इंतजार करना पड़ा उसके बाद अगले दिन से क्लास चालू हुआ है। मतलब कल से स्टार्ट हुआ, आज दूसरा दिन है और कल तक करेंगे। और रुकने का आप यहीं पर रुके हैं हॉस्टल में? खाना पीना आपको यहीं पर मिल रहा है? खाना पीने का कैसा व्यवस्था है? कई बार सब ठीक ठाक व्यवस्था है, ठीक ठाक है जो है ना। हाँ, चाय मिलेगा। हाँ, उसके बाद पूरी मिलेगा, तड़का मिलेगा नाश्ता के लिए। हाँ, दोपहर में सब जो भी खाना पीना सब फ्रेश जो भी है। हाँ, और रात को भी फिर मिल जाता है? हाँ, रात को भी खाना पीना वाला बिछना लहर लैट्रिन नहाना धोना सब सारा चीज़ की व्यवस्था। तो फ्रेंड्स, आप सुने यहाँ पर जो रुके हुए हैं बताया कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। सुबह बढ़िया नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम रात को भी खाना है। अंदर ही आपको बाथरूम लेटरिन ये सारा कुछ है इसी हॉस्टल में, पीछे जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो करना चाहते हैं ट्रेनिंग उनके लिए काफ़ी अच्छा व्यवस्था है। और तो इसके बाद ट्रेनिंग कर लीजिएगा तो यहाँ पर कुछ मतलब स्टार्ट करने के लिए कुछ मिलेगा क्या? हर चीज़ का उपलब्ध है, प्रोसेस है, पेपर वगैरह करना पड़ता है, उसके बाद इधर से भी सपोर्ट दिया जाता है। सपोर्ट दिया जाता है ना, यहाँ सहारा भी मिलेगा। तो स्टार्ट करना चाहते हैं आप भी तो आ सकते हैं यहाँ पर। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है हम तो पूरा वीडियो में दिखा दिए, और पेपर वर्क करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ से काफ़ी सारा सपोर्ट मिलेगा, और एक अच्छा मछली पालन करके अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि मछली का पालन एक पैसा का ही एक व्यवसाय है। मछली पालन आराम से घर में सामने कहीं तालाब उलाब बनाकर अपना जो जमीन है उसमें मछली पाला जा सकता है और इनकम किया जा सकता है। मछली पालन प्रशिक्षण केंद्र का ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं यहाँ से जुड़ी जो जानकारी है बाकी बची हुई जानकारियाँ मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो वीडियो है उसको आप मिस न करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।